हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इजी तरीके से धोती बनाना बताएंगे। देखो, इसके लिए मेरे पास एक फैब्रिक है, ग्रीन कलर का है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये बनने के बाद। देखो इस तरह से इसको पहले हम अच्छे से खोल देंगे। ये 1.5 मीटर जितना है, पर इसमें हमें 1 मीटर जितना ही चाहिए। देखो इस तरह से, फिर यहाँ से हम जितनी हमें लेंथ रखनी है उतना यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। मैंने 20 इंच पे इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगा लिया है और ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। ये देखो, पूरे के पूरे फैब्रिक में हम ऐसे 20 इंच की इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करके पहले हमें इतना कट कर देना है। आपको जितनी लेंथ रखनी है उतना रख के आप बाकी का फैब्रिक है कट कर लेंगे। ये देखो, ये मैंने कट कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, ये देखो दो पार्ट है। यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे, तो कमर भी हमें 20 इंच चाहिए, तो इसको इस तरह से पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे 10 इंच का पॉइंट लगाएंगे। फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरी बार एक और बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये 3 बार फोल्ड हुआ इस तरह से, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। देखो इस तरह से, और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इतना हम कट कर लेंगे। देखो ऐसे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हम आसन का नाप लेंगे। तो 7 इंच पे मैंने पॉइंट लगाया है, फिर 1 इंच का इस तरह से एक, और इस साइड दोनों साइड 1-1 इंच पे पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे और इतना हमें कट कर लेना है। बहुत ही ईजी है, बस आपको इसे ध्यान से देखना है। ध्यान से देखेंगे तो ईजीली समझ में आ जाएगा। देखो इस तरह से, फिर ये खोलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर देखो ये साइड है, वहाँ से हम इस तरह से कर्व शेप हमें देना है 2.5 इंच का। देखो ऐसे राउंड शेप इस तरह से यहाँ से कोने से कर देना है ऐसे। ये मैंने कट लगा लिया है। अभी देखो ये दो पार्ट हमारे ऐसे कुछ इस तरह से, देखो हमारी कटिंग धोती की इस तरह से दिखेगी। अभी हमें क्या करना है, बॉटम पार्ट में इस तरह से लेस अटैच करेंगे यहाँ पे। तो देखो ऐसे यहाँ पे लेस अटैच करनी है। इसमें नीचे से हम हल्की हल्की पट्टी फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे लेस पे सिलाई लगा के इस तरह से अटैच करते जाएंगे लेस को। देखो ऐसे, फिर ऊपर की साइड भी वैसे ही सिलाई लगा के पक्की सिलाई करके अच्छे से लेस अटैच कर देंगे। देखो बॉटम में मैंने लेस अटैच की है। ये कॉन्ट्रास्ट कलर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। देखो इस तरह से दोनों साइड मैंने लेस अटैच कर दी है। अभी हमें क्या करना है, देखो ये आसन का जितना नाप है उतना हम इस साइड से इस तरह से प्लेट लेंगे। देखो ऐसे ऐसे प्लेट इस तरह से हम बनाएंगे कि हमारे आसन का जितना नाप है उतना बचे। देखो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी, आपको बस इसे ध्यान से देखना है। यहाँ से देखो इस तरह से प्लेट्स लेते जाएंगे। कौन सा पार्ट्स मैं उठा रही हूँ बस आपको वही ध्यान से देखना है। देखो इस तरह से ऐसे प्लेट छोटी छोटी लेंगे और इस तरह से प्लेट बनाएंगे कि हमारा आसन जितना हमें नाप लिया है उतनी ये प्लेट्स बने हमारे। देखो इस तरह से ये मैंने प्लेट्स डाल दी है। अभी सेम उसी तरह से दूसरी साइड की भी मैंने प्लेट्स बना ली है। देखो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हमें क्या करना है, देखो इस तरह से प्लेट्स वाला पार्ट है इसको, तो दोनों को इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से राउंड वाला पार्ट है इसको इस तरह से उठाएंगे और प्लेट्स वाला पार्ट है उसका आसन इस तरह से मिलाते हुए पलट के उल्टा करके यहाँ पे पहले सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। देखो ये ऐसे यहाँ पे आसन का पार्ट है जो, उसको इस तरह से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे पहले। देखो इस तरह से, फिर हमें क्या करना है, देखो दूसरा प्लेट्स वाला पार्ट है उसको उठाएंगे इस तरह से और इसको रॉन्ग साइड करके इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे फिर दूसरी बार सिलाई लगाएंगे। देखो इस तरह से
ताकि दोनों प्लेट्स के बीच सेंटर में वो वाला पार्ट्स आ जाएगी। देखो इस तरह से मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ऐसे देखो, ये प्लेट्स वाला पार्ट है और वो वाला पार्ट सेंटर में आ गया, और दूसरा पार्ट जो है प्लेट्स वाला वो इस तरह से दिखेगा। देखो ऐसे अभी हमें क्या करना है, देखो ये आसन है, इसको इस तरह से पलट के उल्टा करेंगे। दोनों ये दोनों आसन है और ये तीसरा, ये तीनों को मिलाते हुए ये तीसरा पार्ट है, उसको भी हम रॉन्ग साइड करते हुए इस तरह से, और अंदर की साइड जो सिलाया है उस हिसाब से ऐसे तो तीनों को इस तरह से मिलाएंगे आसन को, और अंदर की साइड हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और तीनों आसन को मिला के अच्छे से ऐसे सिलाई लगा देंगे। बस हमें इसमें ध्यान रखना है कि पलट के उल्टा करके अंदर की साइड सिलाई लगानी है। देखो ऐसे वो सेंटर वाला पार्ट है दोनों में, आगे पीछे इस तरह से दिखेगा। देखो ऐसे फिर देखो ये लेस को इस तरह से पकड़ना है, फिर ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स लगाते जाना है, जैसे हम पल्लू बनाते हैं वैसे प्लेट्स इस तरह से डालेंगे, और सेंटर में इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई से अटैच कर देंगे इस तरह से सिलाई लगा के। यहाँ पे देखो ऐसे मैंने सिलाई लगा ली है। अभी सेम उसी तरह से देखो ये हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है, सेम उसी तरह से हम बैक पार्ट में भी वैसे ही जो सेंटर वाला पार्ट है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे प्लेट्स लेंगे, अच्छे से प्लेट्स बना देंगे, और इसको भी हम सेंटर में अच्छे से यहाँ पे अटैच कर देंगे सिलाई लगा के। ये देखो ये मैंने सिलाई लगा ली है, अभी ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो ऐसे फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ऐसे बेल्ट अटैच करेंगे। देखो इसके लिए मेरे ये दो पार्ट कट किए हैं, 6 इंच का इस तरह से इसकी लेंथ है, और विड्थ हमें जो हमने रखी है कमर का नाप है उससे आधा आधा इंच जितने ज़्यादा रखेंगे इस तरह से, और दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे। देखो मैंने सिलाई लगा ली है, अभी इसको हम उल्टा ही रखेंगे और धोती को अंदर की साइड करेंगे इस तरह से, और पूरे के पूरे राउंड में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है, अभी इसको पलट के सीधा कर देंगे, और ऊपर से हमें क्या करना है, हल्की हल्की अंदर की साइड पर पट्टी इस तरह से फोल्ड कर जाना है, इस तरह से नेफा बनाना है, और थोड़ी सी सिलाई बाकी रखनी है ताकि हमें वहाँ से लास्टिक अटैच कर सकें। देखो इस तरह से इसमें हम लास्टिक डाल सके उस तरह से मैंने यहाँ पर खुला छोड़ा है, और देखो ये लास्टिक है हमारे पास, इसका नाप भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखो इस तरह से ये 18 इंच जितनी है, इसको सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने खुला छोड़ा है वहाँ से अंदर की ओर डालेंगे इस तरह से, और देखो ऐसे पिन को अंदर की ओर पास करते जाएंगे, और इस तरह से दूसरी साइड से निकाल देंगे इस तरह से, फिर दोनों को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर देंगे, अच्छे से पक्की वाली सिलाई लगाएंगे, और देखो इस तरह से पूरे के पूरे राउंड में अच्छे से एडजस्ट कर देंगे हम लास्टिक को, फिर जो हमने खुला छोड़ा था उसके ऊपर हल्की सी सिलाई लगा देंगे। और देखो ये हमारी धोती बनके बहुत ही बढ़िया लुक दे रही है, बनके रेडी हो चुकी है। देखो ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रही है, और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।